Assalamu alaikum. I'm Dr. Sheba Akram, gynecologist. Today we are going to start the first video of the coming series of different health issues of a pregnant lady during pregnancy. जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था लास्ट वीडियो में कि हम ऐसा सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट औरत को जो भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में हम अपने तमाम पेशेंट्स को सुनने वालों को जानकारी देंगे, मालूमात फराहम करेंगे अपने हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में। आज इस सिलसिले की पहली वीडियो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और ये है प्रेगनेंसी विथ डायबिटीज मेलाइटिस। लेकिन ये जो प्रेगनेंसी के साथ जो डायबिटीज का इशू है, ये जो हम डायबिटीज की टाइप को डिस्कस करेंगे उसको हम GDM यानी जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। ये वो चीज होती है कि एक प्रेग्नेंट औरत को हमल के दौरान जो ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है और ज्यादातर ये उनके जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, आखिरी 3 माह, उनमें ही ये ज्यादातर देखने को मिलता है। इसलिए हम इसको, चूंकि ये शुगर का जो प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर लेवल जो प्रेग्नेंट औरत का बढ़ जाता है, ये इशू चूंकि सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होता है, अदरवाइज ये उनको नहीं होता, इसलिए हम इसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर इसकी वजूहात क्या है। सबसे पहली वजह ये है कि आप उनकी हिस्ट्री जब लेते हैं तो पता चलता है कि उनकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री मौजूद है। उनके पेरेंट्स में से मदर को, फादर को या किसी क्लोज रिलेटिव को डायबिटीज की हिस्ट्री उनकी फैमिली में मौजूद होती है। दूसरी वजह होता है सिडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत सहल पसंद जिंदगी, बहुत ज्यादा खाना पीना, लेविशली जंक फूड लेना और फिर कोई एक्सरसाइज, कोई वॉक, कुछ ऐसी हेल्दी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना, जिसकी वजह से वेट बहुत बढ़ जाता है। जंक फूड के अपने नुकसान हैं और इसके अलावा पास्ट हिस्ट्री जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की भी होती है, जिसकी वजह से इन खवातीन में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, जब ये लेवल बढ़ता है तो इसमें हम ये देखते हैं कि कुछ खवातीन जिनमें ये चीज हो सकती है उनको हमें स्क्रीन करना चाहिए, यानी हमें ये मालूम करना चाहिए कि इनमें जेस्टेशनल डायबिटीज है या नहीं। तो इसको स्क्रीन करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। इसमें पेशेंट को हम एक लोडिंग डोज ग्लूकोज की देते हैं और उसके 2 घंटे के बाद उनका ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। अगर वो नॉर्मल वैल्यू से रेज्ड आता है तो हम कहते हैं कि ये पेशेंट जो है ये इस तरफ GDM की तरफ, जेस्टेशनल डायबिटीज की तरफ जा रही है। जेस्टेशनल डायबिटीज जो है, जो हमल के दौरान होने वाली शुगर है, ये प्रेगनेंसी होने के बाद, बच्चे के पैदाइश के बाद 50% केसेस में ये ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाते हैं और इन लेडीज में शुगर का मसला नहीं होता बाद में, बेबी की पैदाइश के बाद। लेकिन 50% में ये परसिस्ट कर जाता है, ये वो परमानेंट तौर पे उनको शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है। और कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनमें हर दफा प्रेगनेंसी में उनको ब्लड शुगर लेवल उनका बढ़ जाता है और बाद में नॉर्मल हो जाता है। अब देखा जाए तो सोचने की बात यह है कि आखिर इससे क्या नुकसान है। नुकसान जो सबसे बड़ा है वो तो बेबी के लिए है, मदर के लिए भी है, लेकिन बेबी के लिए आप देखें कि मदर के ब्लड में जो ज्यादा शुगर का लेवल है, वही ब्लड मदर का बेबी के अंदर भी, फीटस के अंदर भी जा रहा है और वो बेबी ज्यादा, उसके बेबी के ब्लड के अंदर भी शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल जो है ये बेबी के बॉडी जो है उसको यूज करती है तो बेबी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन खवातीन को हमल के दौरान शुगर का प्रॉब्लम होता है उनके बच्चे बहुत बड़े साइज के होते हैं, जिन्हें हम गुड साइज बेबीज कहते हैं, वो बहुत मोटे हो जाते हैं। इसके अलावा उन बच्चों में एक मसला होता है कि वो बच्चे जो हैं, जैसे कि किसी भी शुगर के मरीज को आप देखेंगे, उसको ज्यादा प्यास लगती है, ज्यादा भूख लगती है, वो बहुत ज्यादा यूरिन पास करते हैं। इसी तरह ये बच्चे भी बहुत ज्यादा यूरिन पास करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के इर्द गिर्द जो उसके वाटर बैग में पानी होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसे हम पॉलीहाइड्रामियास कहते हैं। और पॉलीहाइड्रामियास के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, गुड साइज बेबी डिलीवरी के लिए प्रॉब्लम बन जाता है, वो सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है क्योंकि नॉर्मली उसको डिलीवर कराना बहुत मुश्किल हो जाता है।
इसके अलावा जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद देखें वो पहले माँ की तरफ से उसको बहुत ज्यादा शुगर लेवल मिल रहा था, जिसकी वजह से उस बच्चे का अपना लुबलुबा, उसका अपना पैनक्रियाज बहुत ज्यादा इंसुलिन बना रहा था। लेकिन पैदाइश के बाद मदर की तरफ से आने वाली शुगर लेवल बच्चे को नहीं मिल रही, लेकिन स्टिल कुछ देर के लिए उसका अपना लुबलुबा काफी तादाद में इंसुलिन को प्रोड्यूस करता रहता है, जिसकी वजह से हाई इंसुलिन लेवल एंड लो ब्लड शुगर की वजह से, नॉर्मल ब्लड शुगर की वजह से वो बच्चे की ब्लड शुगर पैदाइश के बाद ड्रॉप कर जाती है, नीचे आ जाती है और बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, जिस कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद हम उसका ब्लड शुगर चेक करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि लो शुगर की वजह से इसको झटके ना लगे, मेटाबॉलिक फिट्स हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम फौरन बच्चे का ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं आफ्टर उसके पैदाइश के, और उसके बाद हम उसको ग्लूकोज जो है वो अगर उसका लेवल शुगर का नीचे बहुत आ जाता है तो हम उसको इंट्रावीनस ग्लूकोज दे देते हैं, ओरली भी दे सकते हैं, और इसमें एक कोशिश ये होती है कि बच्चे को फीड जल्दी स्टार्ट कराई जाए। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये बेबी में आते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ जाती है, बच्चा बहुत मोटा हो जाता है, उसके पानी बहुत ज्यादा होता है, इसके अलावा मदर को भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू हाई ब्लड शुगर लेवल काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ज्यादा पेट में पानी होने की वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल रहती हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस बहुत फ्रीक्वेंटली उनको होने लग जाते हैं और वो खुद भी बहुत ज्यादा सफर करती हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। लिहाजा पेशेंट को स्क्रीन करना चाहिए लाजमी प्रेगनेंसी के दौरान, खासतौर पर अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज भी है तो, और फिर उनकी ब्लड अगर उनको ये ब्लड शुगर लेवल उनका रेज कर जाए, वो डायबिटिक हो जाए, तो उनकी ब्लड शुगर लेवल की मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में उनको ब्लड शुगर लेवल के अकॉर्डिंगली उन्हें मेडिसिन भी दी जाती है, उन्हें हम मेटफॉर्मिन देते हैं। अगर मेटफॉर्मिन सक्सेसफुली शुगर लेवल को कंट्रोल ना कर सके तो फिर हम उन्हें इंसुलिन जो है उस पर डाल देते हैं और इंसुलिन जो है वो उनकी शुगर लेवल को नॉर्मलाइज कर देते हैं, लेकिन इसके लिए शुगर लेवल की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो एक चीज जो देखी गई है वो ये है कि बहुत कीमती बच्चे, वेरी प्रेशियस प्रेगनेंसी जो है उसकी अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल ना हो तो माँ के पेट में अचानक बच्चे की मौत हो जाती है। लिहाजा अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है कि बहुत रेगुलर टाइम पे अल्ट्रासाउंड करवाए जाए। क्या देखने के लिए? ये देखने के लिए कि बच्चा जो है वो जिंदा है, उसकी हार्ट बीट ठीक है, उसका साइज क्या है, उसकी जेस्टेशनल एज क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसके इर्द गिर्द पानी कितना है, और बच्चे के वेट की भी असेसमेंट की जाती है ताकि हम किस तरह से और किस वक्त उसकी डिलीवरी करें। तो अल्ट्रासाउंड इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल दैट इज व्हाट वी रिक्वायर टू प्रॉपरली मॉनिटर अ प्रेग्नेंट वुमन विद जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस टू प्रिवेंट द हैजर्ड्स बोथ इन मदर एंड फीटस। थैंक यू।